हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, मैं धीरन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे बांटा गया है तीन भागों में। पहला भाग है प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग है आपका मध्यकालीन इतिहास और तीसरा भाग है आधुनिक इतिहास। और सबसे पहले हम इतिहास की सीरीज में कवर करेंगे प्राचीन इतिहास। अब हम जानते हैं प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है और हमें कहां कहां से पढ़ना है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी तीन प्रकार से मिलती है। पहला है आपका ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष। और दोस्तों, इस पार्ट में हम शुरू करते हैं ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ से क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका कि भारत का पहला सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। याद रखिएगा, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है वेदों की संख्या है चार। वेदों की संख्या है चार। और ये वेद कौन से हैं? तो ये वेद हैं आपके, पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है दोस्तों आपका अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, वेदों का क्रम क्या है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे पहले आपका वेद आया ऋग्वेद। याद रखिएगा, सबसे पहले आपका जो वेद आया था वो था ऋग्वेद, दूसरे नंबर पे सामवेद, तीसरे पे है यजुर्वेद और चौथे पे है अथर्ववेद। अब दोस्तों, यहाँ से याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। इसका मतलब कि सबसे पहले जो आया वो प्राचीन है, और नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच, सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आ गया, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सात, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 1028 सूक्त है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। दोस्तों, याद रखिएगा, नवा मंडल यानी कि नाइन्थ नंबर का मंडल जो है वह मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। और दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है इंपॉर्टेंट कि ये किस मंडल से लिया गया है। तो इसका मंडल हो जाएगा दोस्तों तीसरा मंडल। याद रखिएगा, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से और ऋग्वेद से लिया गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर दस देखते हैं, गायत्री मंत्र किसे समर्पित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सावित्री देवता को यह मंत्र समर्पित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ग्यारह, किस वेद में अस्तो मां सद्गमय का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अस्तो मां सद्गमय का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में नवे मंडल में किसका वर्णन है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, ऋग्वेद में नवे मंडल में वर्णन है आपका सोम देवता का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, वामन अवतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम सूत्र स्रोत है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ये कहाँ है? ये ऋग्वेद में बताया गया है। वामन अवतार के तीन पगों के आख्यान का प्राचीनतम सूत्र क्या है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद के किस सूक्त में चार वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्त में। याद रखिएगा, ऋग्वेद के किस सूक्त में
चार वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पुरुष सूक्त में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, दासरा का युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये विवरण मिलता है आपको ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं दोस्तों, दासरा का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो याद रखिएगा दोस्तों दासरा का युद्ध लड़ा गया था आपका परुषणी नदी पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितनी रचनाओं की का उल्लेख है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है दोस्तों 250, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 रचनाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है संहिता, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है सिंधु नदी, सिंधु नदी ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका गंगा नदी, गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मात्र एक बार हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इसका आंसर दोस्तों बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के लिए अनस शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है होत्र, मतलब कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको हम कहते हैं होत्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन कौन से थे? तो दोस्तों इसका आंसर है पहला इंद्र और दूसरा अग्नि, याद रखिएगा पहला इंद्र और दूसरा अग्नि देवता जो कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद में कौन से मंडल सबसे नवीन या बाद में जोड़े गए? दोस्तों तो याद रखिएगा प्रथम और दसवां मंडल ऐसा है जो नवीन या बाद में जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सामवेद, याद रखिएगा भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों सामवेद। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं दोस्तों, गीतों का संग्रह किस वेद को कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ सकता है वो घुमा के, पहले उसने कहा भारतीय संगीत का जनक और अगले क्वेश्चन में कह रहा है गीतों का संग्रह किसे किस वेद को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सामवेद, याद रखिएगा सामवेद को गीतों का संग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, दोस्तों साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ है दोस्तों गान, याद रखिएगा साम का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना इसका आंसर है गान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, साम वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है उद्रात, याद रखिएगा साम वेद के मंत्रों का जो भी व्यक्ति उच्चारण करता है उसको कहते हैं उद्रात। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र, याद रखिएगा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, वह कौन सा वेद है जो गद्य व पद दोनों में लिखा गया? याद रखिए दोस्तों ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य व पद दोनों में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यजुर्वेद, याद रखिएगा यजुर्वेद को गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है अधर वायु, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधरवायु कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जादू टोना तंत्र मंत्र रोग निवारण एवं औषधियां किस वेद में वर्णित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है अथर्ववेद, याद रखिए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और यहां से वो पूछता कि जादू टोने वाला वेद कौन सा है, तो आपको याद रखना है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद को सबसे बाद में लिखा गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, अथर्ववेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है अथर्व ऋषि अथर्ववेद के संकलनकर्ता थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36,
वेदांगों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपको याद रखना है वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या है आपकी 6। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है उपनिषदों की संख्या है 108। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उपनिषदों की संख्या 108, वेदांगों की संख्या 6 और वेदों की संख्या 4। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है पुराणों की संख्या है आपकी 18। याद रखना दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है, 18। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, पुराणों की रचयिता किन्हें माना जाता है? पुराणों की रचयिता माना जाता है दोस्तों लोमहर्ष और एवं उर्गश्रवा को। याद रखिए दोस्तों लोमहर्ष एवं उर्गश्रवा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते किस से लिया गया है? तो आपको याद रखना है सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। याद रखिए दोस्तों मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी रेलवे में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देखिए महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका आंसर है जय संहिता। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं दोस्तों, महाभारत के रचनाकार कौन थे? दोस्तों सॉरी ये गलती से थी लग गया है, यहाँ पे आप थे कर लीजिएगा। महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर है महर्षि वेदव्यास। याद रखिएगा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत के रचनाकार थे आपके महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, रामायण के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है रामायण के रचयिता आपके महर्षि वाल्मीकि। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है तुलसीदास। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए, रामचरितमानस के रचयिता थे तुलसीदास। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, तुलसीदास ने रामचरितमानस को किसके शासनकाल में लिखा? याद रखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लिखा था अकबर के शासनकाल में। याद रखिएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस को अकबर के शासनकाल में लिखा था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 48 देख लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर है अष्ट अध्यायी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्ट अध्यायी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है पाणिनि। याद रखिएगा अष्ट अध्यायी के लेखक है पाणिनि। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? और इसका आंसर है दोस्तों कलहड़। याद रखिएगा राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, कश्मीर का इतिहास किस में वर्णित है? तो दोस्तों याद रखिएगा राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है, यानी कि राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है चाणक्य। और याद रखिएगा दोस्तों चाणक्य की जगह आपको एग्जाम में कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी लिखा मिल सकता है, इसलिए याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर है मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है योग दर्शन के प्रवक्ता के आपके पतंजलि। याद रखिएगा योग दर्शन के प्रवक्ता के आपके पतंजलि। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों कपिल। याद रखिएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर है कपिल। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।